निरंतर घटते नदी के जलस्तर को बढ़ाने की कवायद चल रही है। कटनी नदी एनिकेट में जलस्तर दिनों दिन कम होने के कारण इसमें सफाई कार्य नगर निगम के जल प्रदाय विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। बताया गया है कि एक नाव में 6 लोग सवार होकर नदी में जमी काई जलकुंभी कचरा को हटाने में 6 श्रमिक जुटे थे, तभी अचानक नाव पलट गई और इसमें सवार श्रमिक नदी में जा गिरे। इसी में श्रमिक भी शामिल था, जिससे शायद तैरता नहीं बनता था, लिहाजा वह नदी में डूब गया। उनको बचाने के लिए दीपक राजपाल अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद गए और 5 लोगों को नदी से निकाल लिया। वहीं एक की मौत हो गई, जिसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन काफी प्रयास के बाद अब तक इस श्रमिक का कुछ पता नहीं चल सका। 8:30 बजे का समय था, वहां से देखा तो नाव ऐसे नीचे डूब रही थी। वहां से मैं दौड़ा, उनको दौड़ा तो 5 लोगों को बचाया, एक को नहीं बचा पाया। कितने लोग नाव में? 6 लोग। और कितने कर्मचारी नदी में डूब गए हैं? एक। कितने बजे की घटना है? 8:30 होने की। क्या कर रहे थे कर्मचारी यहाँ? सफाई कर रहे थे। जो कर्मचारी डूबा उसका नाम क्या था? उसका नाम तो नहीं माना, सर चिराग बोल रहे हैं। आपने जब देखा उनको तो कोई वो लाइफ सपोर्ट जैकेट वगैरह में थे या इसी सामान्य तरीके से सफाई? सब सपोर्ट वपोर्ट रखे हुए थे, पहने नहीं थे? पहने नहीं। क्या नाम है आपका? दीपलाल राजपाल। उस समय आपने कैसे बचाया उनको? कर्मचारी कपड़े उतार के क्यों दिए ऐसे? उसको तैरना नहीं आ रहा था क्या? शायद फुटबॉल साथी लोग बता रहे हैं कि नहीं आ रहा था। क्या कर रहे थे? कैसे सफाई करना आए थे हम लोग यहाँ नगर निगम से, साइड से भेजा गया था हम लोग को। क्या घटना हुई? तो हम लोग साइड से बीच तक आए हैं, बीच से मतलब एक तरफा नाव हुई है तो नाव पलट गई। क्या वजह लगती है आपको, कैसे नाव डूबी? शायद वही वेट कारण, वेट हो गया था ज़्यादा भी और हल्की सी नाव में छेद। कितने लोग आप लोग नाव में सवार थे? 6 लोग। कितने लोग बाहर आ गए हैं? 5 लोग बाहर आ गए, एक अंदर। नहीं मैं अभी हूँ ना, मैं नहीं। उसमें आप लोग जब सफाई कर रहे थे उस समय कोई लाइफ सपोर्ट जैकेट वगैरह पहने हुए थे? नहीं उस समय नहीं। जब सफाई कर रहे थे आप लोग उस दौरान नगर निगम का कोई अधिकारी निगरानी के लिए था कि नहीं? इतने समय नहीं था। अभी भी आए हैं क्या नगर निगम से कोई अधिकारी वगैरह आए हुए हैं? हाँ सब हैं, ऊपर साइड। ये सुबह की लगभग 8:30 से 9 के बीच की घटना है। हम लोग को फ़ोन आया, सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर नगर निगम के कुछ कर्मचारी अपने बोर्ड के माध्यम से साफ़ सफाई कर रहे थे, तो बोर्ड के साथ जो भी हादसा हुआ हो तो एक व्यक्ति डूब गया है। तो तत्काल हम अपनी टीम लेके यहाँ पर आए और अभी रबर बोट आप जैसा कि देख रहे हैं उतार के जवानों द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जलकुंभी भी बहुत ज़्यादा है नीचे और चट्टान वगैरह भी हैं, तो बोट और जवानों की सुरक्षा का पूरा ध्यान में रखते हुए सर्च कार्य जारी है। मैडम नाव में कितने लोग सवार थे और कितने सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं? ये तो मुझे अभी आपको नगर निगम के अधिकारियों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक ये जानकारी मिली है लगभग 5-6 लोग थे और एक व्यक्ति डूबा है, बाकी सभी लोग निकल के बाहर आ गए। रेस्क्यू कितने घंटे से मैडम चल रहा है? ये अभी रेस्क्यू लगभग 2 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू स्टार्ट हुए तो, लेकिन बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। हम लोग पूरे प्रयासरत हैं, रेस्क्यू कार्य जारी है। कटनी से प्रवीण कुमार पारेषर की ये रिपोर्ट।